हेलो, कौन? आप कौन? ये मेरा फोन है। ओ, इर्सा? मैं निम्रा बात कर रही हूँ। शुक्र है तुम्हारे पास से फोन, मुझे लगा गिर गया है। हाँ, शायद तुम्हारे हाथ से गिर गया था। मैंने तुम्हें काफी आवाजें भी दी थी, मगर तुम अपने पापा की गाड़ी में बैठ के जा चुकी थी। अब कहो तो घर पहुंचा दूँ? नहीं, मेरा मतलब है मैं कल ले लूंगी तुमसे। क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? आ सकती हो, मगर वो मगर मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी कजिन नौशी बाजी, एक्चुअली उनके ड्रेसेस लेने के लिए जाना है, तो आज हम घर पे नहीं होंगे। ओ, अच्छा, चलो ठीक है, सही है, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? निम्रा का लहजा थोड़ा बदला बदला सा था, मैं इससे बात तो नहीं करती, क्यों? पता नहीं। मेरे साहब, इस जोड़े का क्या होगा यार? सारी गलती मेरी है। तुम्हें पता है, अम्मी ये नौशीबाजी की सास के लिए लाई थी। बहुत डांट पड़ेगी मुझे। ये जोड़ा कितने का होगा? 3-4 हज़ार का तो होगा ही। तो मुझे सिलाई के पैसे नहीं देना, उन पैसों से जोड़ा खरीद लेना नया। लेकिन फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक, कोई बात नहीं। थैंक यू इरसा। बहुत मुश्किल से सिया ये बीच वाला जोड़ा। लग तो प्यारा रहा है ना। देखो, अच्छा लगेगा मुझ पर? नौशीबाजी पे अच्छा लगे। मुझे जैसी पहली तनख्वाह मिलेगी, मैं अम्मा के हाथ में रखूंगा और रखते साथ ही ये बोलूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रिश्ता भेजूंगा। इनकार तो नहीं करोगे? नहीं, लगता है काफी अमीर हैं नौशीबाजी के ससुराल वाले, काफी खुश रहेंगे वो। काश खुश होती। क्यों भाई? उनको उनके किसी दोस्त ने कह दिया कि दुल्हा दुल्हन नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए नौकरानी ब्याह के लिए जा रहा। ऐसा क्यों कहा उसने? शायद फैसल भाई दुबई में होते हैं इसलिए। तू सहेलियों से झूठ बोलती रहना कि घर भी तेरा है, गाड़ी भी तेरी है, सब सच में तेरा हो जाएगा। असल में तू मालिक बन जाएगी। मेरा साहब जो है ना, बहुत बड़े दिल का मालिक है, बहुत बड़े दिल का। एक गाड़ी तो क्या, दो दो गाड़ियां बाहर खड़ी कर देगा वो। हाँ, क्या हुआ अब्बा को? बिठाने दे। अब्बा, अब्बा ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ
बैठिए। अब्बा को क्या हुआ? कोई परेशानी की बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है। डॉक्टर को दिखा दिया था आते हुए, सो ही सेड के आप लोग टेंशन मत लीजिए। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? अरे साहब पहली मरतबा आए हमारे घर, चाय बनाओ ना। नहीं नहीं आरिफ, बिल्कुल कोई तकल्लुफ नहीं, मैं इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा, आराम से बैठ के चाय पियूंगा, ठीक है? साहब जी, आप पहली मरतबा मेरे घर आए हैं साहब, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर चाय पी के जाएंगे तो। मेरा घर इस काबिल तो नहीं है साहब, लेकिन आप चाय पी के जाएं साहब। आप जानते हैं बाहर फूफो बैठी हैं, बुरा लगता है, सो मैं जाऊंगा। साहब फूफो को भी अंदर बुला लेते हैं ना। अरे जाओ ना, फूफो को इज्जत से अंदर लेकर आओ, जाओ 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 ना। आप बैठिए ना, आप रिलैक्स करें, आप रिलैक्स करें। सर मेरा घर इस काबिल तो नहीं है साहब, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है। नहीं कोई मसला नहीं, जो दवाइयां हैं बस टाइम पे ले लीजिए। जी साहब। सुनो ये लोग कौन है? अब्बा के साहब हैं। साहब? अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें छोड़ने आए हैं। अच्छा अच्छा, सुनो तुम चाय बनानी है किचन में, मेरे साथ चलो, उन्हें सर्व कर देना प्लीज। ना बाबा ना, इतने बड़े लोग हैं, मुझसे कोई गलती होगी तो चचा तो मुझे जान से मार देंगे, मैं नहीं जाती। अच्छा मेरे साथ किचन तक तो चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसे जाना। मैं सिर्फ किचन तक रहूंगी, आगे मैं नहीं जाती। चलो तो आप देर इरसा, बेटा चाय ले आओ ना। आप लीजिए ना, आप लीजिए। खामखा तकल्लुफ किया आपने। अरे नहीं नहीं साहब, तकल्लुफ की क्या बात है, सब कुछ आप ही का दिया हुआ तो है। मैं तो इसे कहता हूँ पढ़ाई करें, ये जो सिलाई कढ़ाई है ना जी, ये शौकिया करती है। साहब आप ये चाय पीजिए ना। जी जी मैं ले रहा था। ये बहुत अच्छी चाय बनाती है, और अगर आप इसके हाथ का खाना खा लेंगे ना जी, आशीष का उठेंगे साहब। माशाल्लाह बड़ी सुगढ़ बेटी है मेरी। आप प्लीज ये भी लेना साथ। आप लीजिए पहुंचिए। ना मानो तो एक बात कहूं। जी कहिए बाबू। सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा मुझे। क्या? भाई तुम्हारे ड्राइवर का अपने घर में बिठाकर अपनी बेटी से चाय पिलवाना, इसमें अजीब क्या बाबू? वो जानता तो है ना कि तुम शादी करने वाले हो। हाँ क्यों, अल्लाह करे कि वो ना हो जो मुझे लग रहा है। Come on, पुपो। जैसा आप सोच रही है ना, वैसा आरिफ नहीं सोच सकता। चलो मान लेते हैं। वैसे एक बात कहूं, लड़की अच्छी है। Come on, पुपो। मुझे लग रहा है मैं फोन वहीं भूल गया। ओहो वापस चलते हैं, बस 5 मिनट। जल्दी तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं। अब आप भी ना ईमान से, आप तो। अरे कुछ नहीं हुआ, आप तो खाम खामे, मुझे क्या बताओ। अरे ये रहने दे, ये रहने दे यहीं पे।
तो फिर वो सब? अरे करना पड़ता है ना, तुझे क्या पता हो, तेरी अभी उम्र देखी है तुमने अपनी, तुम्हें क्या अकल, तुम बस आराम से देखती जाओ होता क्या है। अब अगर साहब ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो? क्या बातें कर रही है तू, मेरे साहब अमीर जरूर हैं, लेकिन साहब का दिल जो है ना वो उनके घर से भी बड़ा है। ये अमीरी गरीबी जो है ये कोई मायने नहीं रखती उनकी नजर में, इंसान की अहमियत है। हीरा है मेरे साहब, हीरा। सही कह रहे हैं बाप, वो तो हीरा है, आपकी बेटी कोयला है, भला मेरा और उनका क्या जोड़। अरे बेटा हीरे की कदरों कीमत से इनकार नहीं है, लेकिन वक्त पड़ने पर हरारत के लिए हीरे की नहीं कोयले की जरूरत पड़ती है। जरूरत तो मुझे है अब्बा, गुर्बत ने वक्त से पहले ही मुझे बुझा दिया है। मैं कम नसीब एक ड्राइवर की बेटी, उम्र और रुतबे दोनों में उनसे कमतर, अगर साहब ने हां कर दी ना तो किस्मत तो वाकई मुझ पे मेहरबान हो जाएगी। अरे मेरे साहब ना बहुत मेहरबान आदमी है, वो मुझ गरीब और बूढ़े पे तरस खाकर ना तुमसे शादी कर लेंगे। मेरे मरने के बाद तू कहां जाएगी? मेरे साहब ना तुझे भैयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, हाँ देख लेना। बड़े अच्छे देखो कौन है? मोबाइल भूल गया था मैं अपना। मैं लेकर आती हूँ। क्या कह रहे हैं साहब? फोन भूल गया। जाओ 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 ना दो ने। क्या कर रहे हो? वो हम सोच रहे थे कि तुमसे ट्रीट मांगे। क्यों? ट्रीट किस चीज की? हाँ वो भाई दरअसल तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो, तुम्हें थोड़ी टेंशन होती है फोन वोन गुम जाए। तुम तो कल ही मॉल गई होगी, नया फोन खरीदा होगा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल हाँ, वो पापा तो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे मगर। हाँ पापा, अच्छा भाई तुम्हारे डैड तो भाई बहुत अच्छे आदमी है, इतने बड़े अमीर घराने से आते हैं फिर भी
इतने अमीर होने के बावजूद गाड़ी भी खुद चलाते हैं, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भी खुद लेने आते हैं। अरे सबक, तुम भी तो कुछ कहो ना। हाँ निम्रा हर्षा, मैं यही कह रही थी कि आज नहीं तो कल तुम्हें तो नया फोन मिल ही जाएगा। लेकिन निम्रा, हम ट्रीट इरसा से जरूर लेकर आएंगे। अच्छा इरसा, अगर तुम कैश नहीं पे कर सकती ना तो तुम क्रेडिट कार्ड से पे कर दो, ठीक है? बात तो बराबर है। आप ये नहीं कहना कि पापा ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो और मैंने नहीं बनवाया। हाँ वो बनवाए नहीं मैंने। ओहो, चलो कोई बात नहीं। निम्रा, मुझे बाहर के खाने ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इरसा के घर चलें, ऐसे इरसा के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ ठीक है ना निम्रा? नहीं आज नहीं, पेंट हो रहा है घर पे। ओह शट अप इरसा, बस कर दो। कल मैं तुम्हारे घर गई थी भाई, तुम्हारे डैड तो मेरी उम्मीदों से भी अच्छे आदमी निकले। पता है कल वो अपने कजन को पीछे बिठा कर लेकर जा रहे थे। वैसे वो तुम्हारे डैड के कजन ही है ना? क्योंकि घर के मुलाजिम तो कुछ और कह रहे थे। इरसा, तुम एक ड्राइवर की बेटी हो जिसका काम है रोजाना गाड़ियों को चम 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 चमकाना, क्यों निम्रा? अरे अपना फोन तो लेती जाओ, फिर से मत भूल जाना अपना फोन। ड्राइवर की बेटी हो जिसका काम है रोजाना गाड़ियों को चम 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 चमकाना, क्यों निम्रा? जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी किन सोचो में हो, उतरो ना, घर आ गया है। देर हो रही है ना, जल्दी करो। अब्बा क्या है? अब मैं साहब से शादी करने के लिए तैयार। सच? सच? ये तुम होशो आवाज में कह रही हो ना? क्या खुशी की खबर सुन रहा हूँ। तुम बस दुआ करो अल्लाह से कि साहब शादी के लिए राजी हो जाए बस। ओ मेरे खुदा तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात की है तुमने। अच्छा चलो ना, मुझे उतरो शाबाश, मुझे देर हो रही है, मैंने साहब के पास पहुंचना है। चलो शाबाश, जाओ सीधा घर जाना, जाओ जाओ। जिसका काम है रोजाना गाड़ियों को चम 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 चमकाना।
भेजो, ये जो तेरी सहेली है ना सारी, जलेंगी तुझसे, जलेंगी। और तू तू अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेगी, मजे में गुजारेगी। गाड़ी तो क्या, दो दो गाड़ियां बाहर खड़ी कर देगा वो। हाँ, फिर तू अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करें, कपड़े बिना बहुत अच्छे मिलेंगे तुझे पहनने के लिए, नए 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 नए। फिर तुझे ना ये सलाई के पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ सोहेल, वो आइडिया अच्छा है यार। एक कमर्शियल एरिया में स्मार्ट फीचर्स के साथ बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी। अरे वो इटालियन था ना, क्या नाम था उसका? सर अल्फांजो। हाँ, कांटेक्ट करें उससे, उसे बुलवाते हैं। सर एक आइडिया और है जी, क्यों ना हम हाई रिस्क बिल्डिंग का नक्शा भी उसी से बनवा लें। करवा सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। राइट सर, आप मीटिंग में आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ सोहेल, अंदर आओ सर। यस जोया, वो तमाम एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कल 11 बजे कॉल करो और शिराजी से कहना कि सैलरीज देने से पहले एक दफा मुझसे बात कर। ओके ओके श्योर। अच्छा एक मिनट। हाँ ये तुम्हें भी सीसी किया है मैंने, जरा ये गो थ्रू कर लेना इस ईमेल। ओके आप साहब। साहब सलाम, आपको मैंने कहा था आप रेस्ट करें, आप ऑफिस क्यों आए? सब घर में बोर हो रहा था तो मैंने सोचा ऑफिस का चक्कर लगा लेता हूं। जोया, जोया, डॉक्टर शमसी की अपॉइंटमेंट लो और किसी की ड्यूटी लगाओ कि आज ही आरिफ साहब को लेके जाएं और पूरा चेकअप करवाएं इनका। ओके ओके सर। हाँ हेलो साहब, लेकिन मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कह दिया ना आज ही। ओके आज ही टेस्ट होंगे, बैठे। हाँ हाँ मैं आ गया आ गया। क्या बात है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी आई यूं अचानक से टपक पड़े। क्या हो गया इतनी फॉर्मेलिटी, बैठो। अरे नहीं, एक्चुअली यास्मीन के मामू की डेथ हो गई। व्हाट? नहीं ले लाया बने राजू। सॉरी भाभी, बस वो अचानक से हमें हैदराबाद जाना पड़ रहा है। फायजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अकेला घर पे छोड़ना समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हमारा ख्याल आया। मेरे कहने का मतलब है कि एक दो रोज के लिए फायजा यहाँ पे रह सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम होगी भला? थैंक यू सो वेरी मच, तुमने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो चले यास्मीन। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, चाय वगैरह तो।
अरे नहीं यार, जल्दी पहुंचना है, ये ना हो कि फिर तदफीन भी ना पहुंच पाए तो फिर फायदा। अच्छा ठीक, चलो खैरियत से। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है फायदा। ओके बाय, सॉरी वंस अगेन। चाय बनवाऊं आपके लिए? जी चाय नहीं, वो सफिया भी बनाए। कोई तकल्लुफ नहीं है, अपना ही घर है। नहीं नहीं बैठे हैं आप बैठे हैं। सफिया भी। जी साहब जी। सफिया भी, फायजा को आप गेस्ट रूम में ले जाएं, इनकी तबीयत सही नहीं है, आपको चाय वगैरह भी दे दीजिएगा। ठीक है जी, बेहतर है, आइए। खाने पे मुलाकात होती है आपसे। दीदी आपका कमरा इधर है। हाय सफिया बी। जी बीबी। जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जी बेहतर है। ये रहा आपका कमरा। वहां रख दो बैग। जी बीबी, किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तुम्हें क्यों बताऊंगी, मेरा घर है, कुछ चाहिए होगा तो खुद ही ले लूंगी। जाओ तुम, दरवाजा बंद कर देना। अरे मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट का इंतजार कर रहा हूं और तुम यहां चुपचाप बैठी हो। बताओ कैसी की एक्टिंग? आप ठीक नहीं कर रहे। क्या गलत किया है मैंने? फायजा को इस तरह उसके घर छोड़ के आना। कमाल हसन एक शरीफ आदमी है, इसलिए मैंने अपनी बहन को वहां पर छोड़ा। इस तरह दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा और फिर कल को दोनों की शादी भी तो होनी ही है ना यार, तो क्या हो गया? अब्बा। हाँ क्या है? वो आपने साहब से बात तो नहीं की? कौन सी बात? वही शादी वाली बात। वो मैंने जज्बात में आकर बोल दिया था, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। कौन से जज्बात? कैसे जज्बात? अब कोई जज्बात वगैरह नहीं है, समझी तू? बात तय हो गई है,
तेरी शादी होगी तो साहब जैसा ही होगी, समझी? और सुन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई आए मेरा पूछे तो कहना मैं अंदर सो रहा हूँ, चला दरवाजा लगा ले। ना गाड़ियों को चम 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 चमकाना, क्यों निम्रा? मैं साहब से शादी करने के लिए तैयार। क्या सच? सच? ये तुम होशो आवाज में कह रही हो ना? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कौन तुम? इरशा देखो, तुम्हें मेरी कसम है, फोन मत बंद करना प्लीज। हेलो 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 इरशा, सुन रही हूँ, बोलो। बानो बता रही थी कि तुम आज बहुत उदास थी, सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक है। लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रहा है? मैंने कहा ना सब ठीक है। तुम रो रही हो, क्या हुआ इरशा? प्लीज तुम मुझे कुछ बताओ। देखो इरशा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे एक एक आंसू के बदले में मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। सब प्लीज मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ है, अल्लाह हाफिज़। ऐसा जी अब्बा, किससे बात कर रही है फोन पे? बानो का था। अरे इस वक्त कौन सी बानो का फोन था? वो नौशीबाजी की शादी है ना, तो उसके कपड़ों का पूछ रही थी कि कितने रह गए हैं। कितने पैसे मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? एक जोड़ा खराब हो गया था मुझसे, तो पैसे कटवा दिए मैंने सिलाई के। तो फायदा क्या हुआ? हुकम तो ऐसे चलाती है, रोब ऐसे जमाती है जैसे सारे घर का खर्चा तेरे पैसों से चल रहा हो। जोड़ा खराब कर दिया, पैसा एक नहीं, मेहनत इतनी कर रही है, फायदा क्या हुआ? टाइम बर्बाद करती है सारा। इतनी मेहनत करके एक टैडी पैसा भी नहीं मिलेगा, जोड़ा खराब कर दिया रे।
उसके लिए फायदा यहाँ पे रह सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम होगी भला? शादी करना चाह रहा हूं, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है बेटा। सफिया जी जल्दी आ जाए। मारक इधर है जी। साहब बोलेंगे ना तो टोस्ट गरम करके ले आएगा। अच्छा अभी टोस्टर में डाल दे। जी ठीक है। मेरा प्रोटीन ये सब। गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट रेडी है राजे? हाँ पर सुबह सुबह इन तकलीफात में पड़ने की क्या जरूरत थी फायज़ा आपको? अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं मेहमान हूँ तो मेहमानों को अपनी हद में रहना चाहिए? नहीं हरगिज़ ये मकसद नहीं है, लेकिन ये घर के काम ये सारी चीज़ें ये आपके करने वाले काम नहीं है। तो मेरे करने का क्या काम है वो बता दें। मैं फ्रेश होके फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट रेडी आ जाओ।